अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम काटन की सीड को वाश कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। सबसे पहले हम 20 केजी काटन सीड डालेंगे मशीन में। ये 10 केजी के बैग हैं तो 2 बैग हम डालेंगे मशीन में 10 केजी के। उसके बाद 2 लीटर तेज़ाब डालेंगे हम सीड में। ये 4 लीटर का डब्बा है, हमने इसको बीच में से काट दिया है। इस डब्बे की जो कैपेसिटी है अब वो 2 लीटर ही है। ये अब तेज़ाब डाला जा रहा है बीज में। तेज़ाब डालने के बाद तब तक मशीन चलाना है जब तक काटन का सीड है उसका कलर चेंज नहीं होता, तब तक चलाना है। ये आहिस्ता आहिस्ता सीड ब्लैक हो जाएगा। ये अब सीड ब्लैक हो रहा है। अब हम इसको पानी लगा के वाश करेंगे पानी में, ताकि सल्फ्यूरिक एसिड का पानी है बीज में से निकल जाए। सीड को पानी में अब डाला जा रहा है। पानी में डालने के बाद सीड को हम जारी पे डालेंगे ताकि सल्फ्यूरिक एसिड का जो पानी है वो बीज में से निकल जाए। अब हम सीड को पानी लगा के अच्छी तरह वाश करेंगे। ये पानी डाला जा रहा है बीज के ऊपर। बीज को वाश करने के बाद हम धूप में छोड़ेंगे 2-3 घंटे के लिए, ताकि बीज खुश्क हो जाए। धूप में 2-3 घंटे छोड़ने के बाद सीड काश्त के लिए तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।